आज मैं आपको बात करने जा रही हूँ राष्ट्र के बारे में। राष्ट्र के बारे में बात करने जा रहे हैं कि राष्ट्र हमारा कैसे तरक्की करेगा, और राष्ट्र हमारा कैसे तरक्की करेगा कि जब हमारे बच्चे जो है वो तरक्की करेंगे तो राष्ट्र तरक्की करेगा। हमारा राष्ट्र जो है वो हमारे आने वाली पीढ़ी पर डिपेंड करता है कि वो कितनी तरक्की करेगा। उसका बच्चे जो है वो हमारे पौधे हैं। अगर आपके पौधे अगर स्ट्रांग होंगे तो आपके बच्चे आपका जीवन भर साथ देंगे। आप जब उस पौधों में अगर आप संस्कार नाम का बीज डालेंगे, उस पौधे के अंदर आप अच्छी एजुकेशन डालेंगे, उस पौधे के अंदर अगर आप अपने जितना उस पौधे को हरा भरा रखेंगे उतना आपका पौधा, वो जो छोटा पौधा है वो एक दिन बढ़कर पेड़ बनेगा, और उस पेड़ पर आपके फल लगेंगे, फूल लगेंगे, जिसका आनंद आप लेंगे, और उसके नीचे उस पेड़ की छत्र छाया के नीचे आप बैठकर आप अपने परिवार के साथ आनंदित होंगे। और इसकी दूसरी तरफ अगर हम देखा जाए तो अगर आपके पौधे में कीड़े लग जाए या आपका पौधा खराब हो जाए या उसके अंदर फसल जो है वो खराब हो जाए आपकी, या उसके अंदर कीट पतंग जो भी, अगर आप उसको अच्छे पेस्टराइजर्स नहीं डालते हैं तब भी आपका पौधा जो है अगर खराब हो जाए, तो यानी कि आपके बच्चे की संगति या गलत हो जाए या बच्चे की पढ़ाई में व्यवधान आ जाए तो आपका बच्चा जो है वो बड़ा पौधा बन पाएगा? वो थोड़े दिन तो पौधा बड़ा होगा, उसके बाद उसके जब नींद में अच्छी पेस्टराइजेशन नहीं है या उसके अंदर जो खाद अच्छी तरह से नहीं डाली गई है तो उससे वो पौधा थोड़े दिनों में ही मुरझा जाएगा। तो इसी प्रकार से हमारा जो राष्ट्र है वो तभी तरक्की करेगा जब हमारे बच्चे तरक्की करेंगे, और बच्चे जो है वो हमारे आने वाले कल का भविष्य है। तो इस भविष्य को ठीक करने के 5 अचूक उपाय आज मैं आपके पास लेकर आई हूँ कि 5 ऐसे कौन से उपाय हमें करने हैं जिससे हमारा भविष्य जो है वो उज्जवल हो जाए, और हमारा भविष्य जब ठीक होगा तो हमारा राष्ट्र भी तरक्की करेगा, और जब राष्ट्र तरक्की करेगा तो पूरी दुनिया में हमारे इस राष्ट्र का जो है वो नाम होगा। तो दर्शकों, हम बात कर रहे हैं राष्ट्र की और अपने बच्चों की। भावी बच्चे अगर उनकी पढ़ाई लिखाई और एजुकेशन अच्छी होगी तो हमारे बच्चे भी अच्छे निकलेंगे। तो हम बात कर रहे हैं कि ऐसे कौन से 5 उपाय हमें करने हैं, या बच्चों के लिए कौन सी ऐसी जो 5 उपाय के माध्यम से, और जो छोटे छोटे उपाय आपने करने हैं कि जिससे उनका जो है उनकी एजुकेशन में कोई व्यवधान ना आए, उनके जीवन में कोई कष्ट ना आए, उनके रास्ते जो है वो बिल्कुल फूलों की तरह जो है वो महकते चले जाए, ऐसे कौन से आपको 5 उपाय आज मैं आपको देने जा रही हूँ। तो उपाय नंबर पहला उपाय जो है वो आपको क्या करना है कि अगर आपके बच्चे की एक स्टडी टेबल है, अगर वो स्टडी टेबल है तो आपने क्या करना है कि बच्चे की स्टडी टेबल पर आपने क्या करना है कि उसकी स्टडी टेबल आपने वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन पर आपने उसकी स्टडी टेबल को मैनेज करना है। वेस्ट साउथ वेस्ट इज अ डायरेक्शन ऑफ अवर एजुकेशन एंड स्किल्स। अगर उसकी एजुकेशन अच्छी होगी, क्योंकि वो डायरेक्शन ही आपको एजुकेशन देगी, वो आपको सोच देगी अच्छी एजुकेशन को अचीव करने के लिए। वेस्ट साउथ वेस्ट में अगर आप अपने बच्चों को बिठाकर पढ़ाते हैं और उसमें पीछे आप जो है वो येलो कलर कर देते हैं, एक येलो कलर का लैंप लगा देते हैं बच्चे के स्टडी टेबल पर वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में, तो सोने पे सुहागा का काम करेगी। और देखिए, जब बच्चा क्यों नहीं पढ़ता है, बच्चे तभी पढ़ते हैं जब उनको हम अच्छा एटमोसफेयर देते हैं। अगर हमारे घर में लड़ाई झगड़ा का एटमोसफेयर चलेगा तो बच्चों की स्टडीज पे बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा। तो अगर आप उसको वेस्ट साउथ वेस्ट में अगर एक स्टडी टेबल लगा देते हैं और उस स्टडी टेबल पर ही बच्चा जो है वो बैठकर काम करता है, उसकी स्टडी टेबल पर आपने क्या करना है, एक पानी का गिलास जो है वो हमेशा जब बच्चा पढ़ने बैठता है उसके साथ में आपने भर कर रखना है। या अगर वेस्ट साउथ वेस्ट में आप लोग भी बैठते हो, कोई इंपॉर्टेंट काम करते हो, तो पानी का गिलास जो है वो हमेशा भर कर रखना चाहिए। वो गिलास जो है अगर चांदी का हो तो बहुत ही बढ़िया है, चांदी गिलास में उसको जो है वो पानी आप रखिए, साथ में एक बॉटल रखिए। वो बच्चा पानी जो है अपना जो 1 घंटा पढ़ता है, 2 घंटे पढ़ता है, तो पानी जो है उसका इनटेक जितना ज्यादा करेगा उतना उसके लिए अच्छा होगा। और जब चंद्रमा अच्छा होता है तो पढ़ाई अपने आप ही अच्छी हो जाती है। चंद्रमा हमारा मन है, मन और पानी, पानी और मन का संबंध जो है वो बहुत अच्छा है। अगर आपके घर में वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन कुछ एग्जॉस्ट है, या फिर वो कटी हुई है, या फिर वो बहुत ज्यादा एक्सटेंड है, या कोई आपके वेस्ट साउथ वेस्ट में किचन है
या टॉयलेट है, तो वहां पर बच्चों की एजुकेशन जो है उस घर में हमेशा खराब रहती है। तो इस केस में आप उस बच्चों को नॉर्थ में बिठा सकते हैं। नॉर्थ की डायरेक्शन जो है वो हमारी अपॉर्चुनिटीज की डायरेक्शन है, वो हमारी मनी की डायरेक्शन है। बच्चे अगर वहां पर पढ़ते हैं तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो बच्चे पढ़ते हैं वो वहां बैठकर पढ़ेंगे, तो उनकी कॉम्पिटिशन की तैयारी बहुत 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 अच्छी होगी। और अगर वो वेस्ट साउथ वेस्ट में पढ़ते हैं, अगर वो नॉर्थ में पढ़ रहे हैं, तो नॉर्थ में आपने उनकी स्टडी टेबल पर भी पानी का गिलास रखना है। और लेकिन उनका जो पीछे का जो सराउंड है, जैसे वॉल है, वहां पर आप जो है कोई एक वॉटरफॉल की पिक्चर लगा दीजिए और साथ में कुछ पानी के रिलेटेड कुछ भी चीज रख दीजिए, तो उससे भी उसके जो माइंड है बच्चों का वो बहुत अच्छा होगा। और दूसरा उपाय मैं आपको बताने जा रही हूं, दूसरा उपाय ये है कि चाहे वो कोई बच्चा हो या कोई बड़ा हो, बच्चा या बड़ा जो भी हो, आपने क्या करना है कि उस बच्चे को आपने कच्चे दूध और हल्दी डालकर उसको नहलाना है। कच्चा दूध और हल्दी, दूध जो है वो हमारे चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है और हल्दी जो है वो हमारी बृहस्पति को रिप्रेजेंट करती है। दूसरा उपाय, बच्चे को आपने दूध और हल्दी डालकर नहलाना है। रोज उनकी बकेट में आप बकेट ले लीजिए एक, और बकेट में उनकी आप पहले तो एक चम्मच हल्दी डालिए। हल्दी अगर एक चम्मच ज्यादा लगती है तो आप आधा चम्मच भी ले सकते हैं, बिल्कुल टीस्पून, हाफ टी स्पून। आप ये नहीं कि बड़ा चम्मच हल्दी का डाल देंगे, हाफ टी स्पून हल्दी डालिए, साथ में आप आधा ग्लास जो है दूध डालिए और पूरी बकेट को आप वाटर से फिल कर दीजिए। उसके बाद बच्चे को नहाने के लिए बोलिए। साबुन वगैरह यूज करने के बाद वो बच्चा अगर अपने ऊपर लास्ट में ये हल्दी वाला पानी और दूध वाला पानी जो है डालकर नहाता है, तो बृहस्पति और चंद्रदेव कुंडली में जहां कहीं भी बैठे हो सब ठीक होने शुरू हो जाते हैं। आपकी कुंडली में बृहस्पति चंद्र कहीं भी खराब हो रहे हो तो सब ठीक होने शुरू कर देते हैं। लेकिन इसके साथ में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए ये जनरल उपाय मैं आपको देती हूँ, लेकिन इसके साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर पूरी कुंडली का हम एनालाइज कराते हैं तो उसपे जो है बातें पूरी सटीक होती है और जो है रिजल्ट भी आपके पूरे प्रॉपर। अगर आप बिल्कुल ही बच्चे के लिए बहुत पोसेसिव हैं, आप बहुत पोसेसिव फादर हैं, बहुत पोसेसिव मदर हैं, उनकी स्टडीज के लिए बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा जो है वो आप केयर करते हैं उनकी, तो आपको पत्रिका का विश्लेषण जो है वो जरूर करवा लेना चाहिए। क्योंकि सेकेंड हाउस, फिफ्थ हाउस और एट्थ हाउस, सेकेंड हाउस, फिफ्थ हाउस, एट्थ हाउस, फोर्थ हाउस, इन चारों हाउसेस को देखना जो है वो बहुत जरूरी है। एट्थ हाउस जो है वो आपका गुप्त ज्ञान का है, आपको डिग्रीज कितनी मिलनी है, दिस विल शो इन द एट्थ हाउस। एट्थ हाउस का लॉर्ड जो है वो आपका डेप्लिटेड हो रहा है, या वो आपका एट्थ हाउस का लॉर्ड जो है वो कहां पर फंसा हुआ है, सिक्स हाउस में है, एट हाउस में है, ट्वेल्थ हाउस में है, कि कहां पर है वो आपको एट हाउस का लॉर्ड। आपको जो डिग्रीज है वो मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। कई बच्चे ऐसे होते हैं सीए का फाइनल का एग्जाम्स दिया और उसमें अटक गए, तो बस अटक गए, लास्ट अटेम्प्ट जो है वो उनका पूरी सीए होती, 7 साल हो जाते हैं, 8 साल हो जाते हैं, सीए कंप्लीट नहीं होती है। तो सी द एट हाउस ऑफ योर हॉरोस्कोप, वहीं से आपको पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है। सेकेंड हाउस, फिफ्थ हाउस, वो भी आपको देखना जो है बहुत जरूरी है, और उसके अकॉर्डिंगली हम आप बारे उसके बाकी सब डिवीजन चार्ट्स जो है उनको भी हम देखते हैं और पूरा पता लगाते हैं कि कहाँ पर प्रॉब्लम है और क्यों प्रॉब्लम है। दूसरा, ये अगर आप उपाय करते हैं हल्दी और पानी वाला उपाय अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा है, सोने पे सुहागा है। जब आपका बच्चा पढ़ने के लिए बैठे, उससे 10 मिनट पहले आप उसे पपीता, पपाया जो होता है उसका बाउल और पपाया आप उस बच्चे को दीजिए। आपके बच्चे को नॉर्मल डेज के अकॉर्डिंगली बहुत ज्यादा लर्न होना शुरू हो जाएगा। एक बाउल जो है वो उसका पपाया का आप उस बच्चे को अगर खिलाते हैं तो नॉर्मल डेज में आपका बच्चा जो लर्न करता है वो उससे ज्यादा लर्न करेगा उस दिन में। ये उपाय आप टेस्ट करके देखिए, अपने बच्चों पर टेस्ट करके देखिए, क्योंकि पपाया सभी के घर में अवेलेबल होता है। और छोटा सा उपाय है, एक बाउल पपाया का आपने, जैसे वो 5 बजे पढ़ना शुरू करता है बच्चा, आप 4:30 बजे दे दीजिए। अगर वो 3 बजे पढ़ना शुरू करता है, 2:30 बजे, आधा घंटा पहले अगर आपने उसको पपाया का एक बाउल दे दिया, तो आपके जीवन में आप देखेंगे रिजल्ट्स आपको इतने इसके पॉजिटिव मिलेंगे, कहीं आपको ये उपाय नहीं मिलेगा, कहीं भी किसी ज्योतिषाचार्य के पास आपको ये उपाय नहीं मिलेंगे। छोटे छोटे उपाय जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, आपके बच्चे का भविष्य बदल सकते हैं, ये उपाय आपने जरूर करना है। तो देखिए, और दूसरा उपाय आपको क्या करना है
आपने केले का पेड़ देखा होगा, केले का पेड़ हम सभी लोग जानते हैं, केले का पेड़ जो होता है वो केतु देव होता है। बच्चे के बिगड़ने की जो उम्र होती है वो 13 से 15 साल होती है। केतु अगर हमारी पत्रिका में, केतु अगर हमारी पत्रिका में कहीं पर भी खराब होती है तो हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे को जो नेगेटिव जो है उनका रिजल्ट आना शुरू हो जाता है 13 से 15 की एज में। हमें पता चलता है हमारा बच्चा बिल्कुल सही चल रहा था, जैसे ही 12 से 13 साल का हुआ, 13 से 15 साल के बीच में गया, उसका ट्रैक ही चेंज हो गया। आपको लगता ही नहीं है तो मेरा बच्चा था जो मेरी सारी बातें मानता था आज वही बच्चा जवाब देने लग गया है। तो ढूंढ लीजिए अपने घर के आसपास में केले का पेड़, और केले के पेड़ के में आपने क्या करना है कि चने की दाल रात को एक मुट्ठी भिगोनी है, और उस केले के पेड़ पर आपने 13 से 15 साल की एज में आपने उस बच्चे से वहां पर चढ़वानी है। ये अगर वो करता है, और साथ में एक बोतल बिस्लरी की बोतल में हल्दी एक चुटकी डालकर पानी भर ले, उस पानी को भी चने की दाल के साथ साथ में आप उसमें केले के पेड़ में डालते हैं, आप सोच नहीं सकते ये बच्चा आपका उपाय करेगा, बरकत आपके घर में आनी शुरू हो जाएगी। जिन लोगों के बृहस्पति खराब होती है उनकी एजुकेशन कभी पूरी नहीं होती है। अगर आप मोटे हो जाते हैं, सपोज अगर आप मोटे हो जाते हैं, आपका पेट बिल्कुल पाल की तरह फूल जाता है, आपके हिप्स बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं, आपके थाइस बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं, आपके हाथ जो है वो बहुत फूल जाते हैं, समझ जाइए आपका बृहस्पति खराब हो रहा है। और जब बृहस्पति देव नेगेटिव हो जाते हैं तो वो हमारे शरीर में, हम अगर दो फुलके भी खाते हैं तो कहते हैं ना लोग, कहते हैं हवा लग गई जी हमें, तो हम तो दो फुलके खाते हैं, हम तो पूरा दिन कुछ खाते ही नहीं, हम तो तेल वाली चीजें ही नहीं खाते हैं। बृहस्पति देव खराब होने की निशानी होती है, और बृहस्पति देव जो है वो आपकी पढ़ाई के कारक है, विस्तार के कारक है, ज्ञान के कारक है। बृहस्पति देव आपके ज्ञान के कारक है, आपके एजुकेशन के कारक है। जितना बृहस्पति आपका अच्छा होगा उतना उस इंसान के अंदर ज्ञान होगा। जितना किसी का बृहस्पति अच्छा होगा उतना एस्ट्रोलॉजर जो है वो लोगों को ज्ञान बांटेगा। और बृहस्पति खराब हो जाए तो बुध भी खराब हो जाता है, बुध भी देव भी आपके खराब हो जाते हैं बृहस्पति खराब होने से। केतु देव भी जो है वो अपना भार जो है वो बृहस्पति पे डाल देते हैं, बृहस्पति अपना भार जो है वो शनि पे डाल देता है, शनि राहु पे डाल देता है, राहु केतु पे डाल देता है। ऐसे सारे ग्रह के 9 के 9 ग्रह जो है वो बलि का बकरा बनने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में आप अपने बच्चों को बलि का बकरा ना बनने दें, उनकी एजुकेशन पे ध्यान दें। एजुकेशन पे ध्यान देने के लिए देखिए और आपने क्या करना है, बच्चों को आपने क्या कहा, मैंने आपको एक तो चने की दाल का उपाय करवाना है, एक बाउल जो है पपाया का बच्चों को रोज खिलाना है। चाहे बच्चे देखिए जिनके बृहस्पति खराब होंगे ना, वो पपाया भी उनको अच्छा नहीं लगेगा, वो बच्चा कहेगा मम्मी कोई और फ्रूट दे दो, पपाया नहीं खाऊंगा। तो पपाया क्योंकि बृहस्पति खराब है उसको उस चीज की कमी है, और वो वही चीज दिखाना है। बच्चों को दूध पिलाते हैं, अगर आप दूध पिलाते हैं तो उसके दूध में आप जब उसको बच्चों को दूध पिलाते हैं, जैसे आपके बच्चे समझ लेते छोटे हैं 13 से 15 साल तक भी बच्चे ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन बड़े बच्चे होते हैं तो मेरे को थोड़ा शर्मा शर्मा जाते हैं। तो जो भी मैं आपको अभी उपाय बताने जा रही हूँ, तो आप अगर ये करते हैं तो ये भी सोने पे सुहागा का काम करता है। आपका बच्चा छोटा है पढ़ने बैठा है, आपने उसको दूध दिया, दूध पिलाया आपने उसके, तो उसका एक लाल रंग का रुमाल अपने पास रख लीजिए कॉटन का, और उसके होठों को आप जो है वो लाल रुमाल से, उसके दूध पीने के बाद उसके लाल रुमाल से उसको होठों को पोंछ दीजिए। जीवन में आपको अनंत ही अनंत आप देखेंगे, मंगल भी बच्चे का अच्छा हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर अब एनर्जी भी आ गई है, एनर्जी एनर्जी बच्चे के अंदर आ गई है। और अगर बच्चा आलसी हो, वो पढ़ने चाहता ही ना हो, पढ़ना ही नहीं चाहता, वो बच्चा अगर आपका आलसी प्रवृत्ति का हो या लेथार्जिक हो, पढ़ लूंगा मम्मी आधे घंटे में आ रहा हूँ, 2 घंटे में आ रहा हूँ, 5 मिनट में आ रहा हूँ, 5 मिनट में आता हूँ, इधर से भाग जाता है उधर से उधर कमरे में भाग जाएगा, कुछ भी आप कहो, तो उस बच्चे के ऊपर से आपने बाजरे का, आपने उसके बच्चे के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज मारने के बाद वो बाजरा जो है वो पक्षियों को डलवाना है। और इन सब उपायों से आपको फायदा होना ही होना है, ये गारंटी है। हमारे पास जो है देखिए, आज मैं पूना में आई हुई थी, और मेरे पास जो है आज बहुत सारे क्लाइंट्स जो है यहाँ पर मिलकर गए हैं पूना में। तो और कई लोगों, मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि देखिए कई लोग जितने भी थे वो सब बच्चों को रिलेटेड बड़े परेशान थे। तो ये वीडियो मेरा मकान बनाने का मकसद यही था कि अगर देखिए लोगों का भला जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि आपकी दुआएं जो है वो हमें लगती रहे, और बच्चे जो है अगर कोई भी सुधरेगा तो देखिए वो कर्म जो है वो आपका भी होगा, और उसका जो कुछ बेनिफिट जो है शायद हमें भी मिले।
और हम तो राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर हैं जी। राष्ट्र हमारा तभी तरक्की करेगा जब हमारे देश में अच्छे अच्छे बच्चे होंगे। क्योंकि आपने देखा है, कभी आपने सोचा है कि हमारे यहाँ के युवा जो होते हैं वो पढ़ने के बाद तो अमेरिका में जाकर बैठे हुए हैं, पढ़ने के बाद फॉरेन कंट्रीज में जाकर बैठे हुए हैं। अगर हमारे देश को अगर जो है अगर हमारे देश में अगर इतना अगर इतना समर्थ हो जाए कि हमारे देश के अच्छे अच्छे युवा जो है अपने देश में ही रहकर काम करें, तो ये देश जो है कहां से कहां पहुंच जाएगा। तो उपाय लेकिन हमें शुरू से करने पड़ेंगे। जो लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते हैं, तो वो बच्चे उनका कसूर नहीं है, बच्चों की वो पौधे का जो है आपके पौधे पे जो नींव आपने डाली है वो कमजोर रह गई आपकी। उपाय आपको करने हैं, कुंडली आप उसकी विश्लेषण करवाइए कि कहां आपकी गलती रह गई, वो बच्चा क्यों बिगड़ा। जब वो बिगड़ रहा था तो आप कहां थे उस टाइम पीरियड में, आपसे क्या ऐसी गलती हो गई। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिसमें माँ बाप डरते हैं बच्चों से, माँ बाप डर जाते हैं बच्चों से कि क्या करें क्या करें। कई मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, वो कहते हैं हम तो बच्चों के आगे बोल ही नहीं पाते, हमसे तो कुछ उनको बोला ही नहीं जाता। तो देखिए वो क्यों ऐसा हुआ, कौन से उनके ग्रह ऐसे हैं कि जो आप पे हावी हो रहे हैं। क्या उसके सूर्य चंद्रमा कमजोर बैठे हुए हैं? सूर्य चंद्रमा कमजोर होगा तो ऑब्वियस है मदर फादर को जो है दिक्कत परेशानी रहेगी, अपने फादर मदर को इतना सुख नहीं दे पाएगा। और आपकी कुंडली में केतु कहां पर है, उसकी क्या पोजिशन है, बुध की क्या पोजिशन है, बृहस्पति की क्या पोजिशन है। अब दशम भाव में बृहस्पति बैठा होता है तो कहते हैं कि दशम भाव के बृहस्पति वाला व्यक्ति जो है वो अपने बच्चों से सारी जिंदगी दुखी रहता है, अपने पिता से दुखी रहता है, अपने बच्चों से भी दुखी रहता है। ऐसे में केतु अष्टम में बैठ जाए, छठे घर में बैठ जाए, तो जीवन में बच्चों का सुख मिलता ही नहीं है, बुढ़ापे में थोड़ा बड़ के ऐसा इंसान बच्चों के दुख में जाता है। तो ऐसे बहुत से कॉम्बिनेशन होते हैं हमारी कुंडलियों में, बहुत से कॉम्बिनेशन होते हैं। सातवें घर के बृहस्पति वाले को गृहस्थी में फंसा हुआ साधु कहते हैं, उसका ऐसे इंसान का तो अपने बच्चों की तरफ ध्यान ही कम होता है। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं जो हमें बताते हैं कि हमें क्या करना है, क्या करना है, कैसे करना है। उसके लिए हम लोग आपसे रूबरू होते हैं, आप दिल्ली में हमसे आकर मिल सकते हैं, आप हर देखिए स्टेट में हम लोग आते हैं, चंडीगढ़ आते हैं, बॉम्बे आते हैं, पूना आते जाते हैं हम लोग, और भी कई स्टेट्स में जाते हैं। तो आप लोग अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो हमसे ले सकते हैं, पूरी कुंडली पे एनालाइजेशन करा सकते हैं। और जिनको चमत्कार देखना है वो हमारी एजुकेशन की पोटली जो है अपने बच्चों बुटी का जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो 3 बार अपने बच्चों के सर से वार कर देख लीजिए। अगर आपको बहुत जल्दी और चमत्कारी और सटीक अगर उनको कुछ जिंदगी में उनके लिए कुछ करना है तो, और आपके पास इतना टांसा भी नहीं है छोटे छोटे उपाय करने का, तो एक बार आप हमारी बुटी का जो है वो मंगवा कर देखें और बच्चे के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 31 बार वारने के बाद उसे जलाकर देखें, चमत्कार को नमस्कार आपके सामने होगा। तो दर्शकों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, क्योंकि आपके शेयर करने से क्या पता किसी बच्चे की जिंदगी जो है वो सुधर जाए और उसका भला आपको भी लगे। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए क्योंकि हमारे सारे प्रोग्राम्स की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। राधे राधे।